सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत अनिवार्य संस्कृत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज सर्वप्रथम पहले पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपको हम बता दें कि संस्कृत के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और उन पाठ के नाम क्या हैं। तो जो पहला पाठ है वाराणसी, दूसरा जो पाठ है अन्योक्ति विलास, पहला जो पाठ है वाराणसी, दूसरा पाठ है अन्योक्ति विलास, वीर वीरेण पूज्यते प्रबुद्ध ग्रामीण देशभक्त चंद्रशेखर केन किं वर्धते आरुणी सेतु संवाद भारतीय संस्कृति ही जीवन सूत्राणी। इन पाठ के अंतर्गत आपको पूरे टोटल 9 पाठ हैं। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं वाराणसी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वाराणसी। जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, पाठ शुरू करने से पहले वाराणसी के बारे में बता देते हैं। वाराणसी नाम से ही विदित हो रहा है कि एक संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा देते हुए बताया गया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बहुत सारे शहरों का नाम है, बनारस भी अपने आप में प्रसिद्ध है घाटों के लिए, शिक्षा के लिए, धर्मनगरी होने के नाते। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को आपके पाठ्य सामग्री में शामिल किया गया है। संस्कृत प्रथम पाठ वाराणसी, बनारस या फिर काशी कहें। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी जो है सुविख्यात प्राचीन नगरी है, नवीन नगरी नहीं, प्राचीन काल से ही सुविख्यात है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयम यह नगरी विमल निर्मल जल की लहरों वाली, विमल सलिल तरंगायाः निर्मल जल की लहरों वाली गंगा, गंगा की जो जल कैसा है, निर्मल जल है। विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः, यह जो वाराणसी नगरी है गंगा की जो जल है वो निर्मल जल है। सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, गंगा के किनारे, कूले का मतलब होता है कुल, मतलब होता है किनारा, किनारे पर स्थित है। कूले में सप्तमी एक वचन का है, कूले स्थिता किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति, यहाँ जो घाटों की आकृति है। पंक्ति धवलायाः चंद्रिकायाम बहुराजते, जो घाटों की आकृति है वह गोलाकार है, पंक्ति सफेद चांदनी से में सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, अनगिनत पर्यटक जो है विदेशी पर्यटक सुदूर देशेभ्यः दूर देशों से, देशेभ्यः देशों से नित्यम नित्य प्रतिदिन अत्र मतलब यहाँ आयान्ति आते रहते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य, अस्या यहाँ पर आकर घाटों की शोभा को देखकर, उसकी सौम्यता को देखकर, विलोक्य विलोक्य मतलब देखकर इमाम बहु प्रशसन्ति बहुत प्रसन्नचित होते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालायाम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते, वाराणस्याम वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्यायाः विद्यारूपी दिव्य ज्योति द्योतते, दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है, भाषित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धाराः, आज भी यहाँ पर संस्कृत की वाग्धारा सतत प्रवाहित होती है, प्रवाहमान होती है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान का को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः, अत्र अनेकों आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वांग्मय का अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इदानीं निरताः, नित्य प्रतिदिन इसी में लगे रहते हैं।
न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि वैदेशिकाः गीर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। विदेशी छात्र भी गीर्वाणवाड्याः, गीर्वाणवाड़ी जो संस्कृत भाषा है उसका अध्ययन करने के लिए, अध्ययनाय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आकर के निःशुल्कम च विद्याम गृहणन्ति, निःशुल्क रूप से शिक्षा का ग्रहण करते हैं। यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो निःशुल्क पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं वो भी कोई शुल्क नहीं लेते, आचार्य हो, विद्वान हो, श्रेष्ठ विद्वान हो, कोई किसी भी छात्र से शुल्क नहीं लेते। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यहीं पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संस्थापित है। संस्कृत विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इति एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, इति एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, इति एते, यहाँ पर यण संधि है, इति एते हैं, इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, यहाँ तीन विश्वविद्यालय हैं, एषु नवीना, इन विद्यालयों में, जिनमें, इन विद्यालयों में नवीन विषयों का और प्राचीनानांच, नवीन और प्राचीन विषयों का ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित है, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है, संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति, यह जो नगरी है, काशी जो नगरी है, वाराणसी जो नगरी है, भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति की, सभ्यता का, संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति, केंद्रस्थल है, प्रमुख केंद्र है। इते एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, इते एव, यहीं से संस्कृत वाङ्मय का, संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च संस्कृत भाषा का आलोक, धर्म का आलोकः प्रकाशमान होता है, सभी जगह प्रकाशमान होता है, ज्योतित होता है, सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दारासिकोः अत्र आगत्य, आज से भी नहीं मुगल काल में भी अगर देखा जाए तो मुगल युवराज जो दारासिकोह था, अत्र आगत्य, यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का, साहित्यों का, उपनिषदों का, पुराणों का उसने यहाँ पर अध्ययन किया। स तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित, स मतलब वह, तेषाम उन ज्ञानों से, उन शास्त्रों से प्रभावित होकर, अभवत प्रभावित हुआ, यत जो तेन उपनिषदाम उन उपनिषदों का, उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारित, जो संस्कृत में उपनिषद थे उसका उन दारासिको ने पारसी भाषायाम अनुवाद कारित, पारसी भाषा में अनुवाद कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह जो नगरी है विविध धर्मों का संगम स्थली है, जैसे महात्मा बुद्ध, बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा सारनाथ, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्नम, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन, अन्य बहुत सारे महात्मा महापुरुष आकर के, जैसे में गोस्वामी तुलसीदास साहित्यिक रचनाओं का अपना यहीं पर उन्होंने निरूपण किया, जयशंकर प्रसाद इत्यादि लोग यहां पर आकर के अपने अपने ग्रंथों का प्रतिपादन किया और लोगों तक अपने विचारों को फैलाया, प्रचार प्रसार किया, स्वीयान विचारान प्रसारयन, अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी, क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपितु कला क्षेत्रे की, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता, इयम नगरी सिर्फ, यह जो नगरी है दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में ही नहीं पूरे विश्व में नाम किया, बल्कि कला के क्षेत्रे अपि, इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विश्रुता,
यह जो नगरी है कला के क्षेत्र में और शिल्प आदि के क्षेत्र में भी इसका जगत में नाम है, विश्व में नाम है। अत्रत्याह कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्मीयन्ते। अत्रत्या यहीं पर जो है बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी का भी यहीं पर निर्माण होता है और देश विदेश में भेजा जाता है। स्मीयन्ते सर्वत्र सभी जगह स्मीयन्ते भेजे जाते हैं। अत्रत्याह प्रस्तर मूर्तयः प्रस्थिताः और पत्थर की मूर्तियों का भी यहाँ पर निर्माण होता है। इयम् निजाम् प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति। और यह जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है वह आज भी यहीं पर लोग उसका परिपालन करते हैं। तथैव गीयते कभी भी ही, तथैव गीयते कभी भी ही मंगलम वर्णम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपिनम यत्र कौशेय काशी केनोपमायते। अर्थात कहा गया कवियों के ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है, जहां मरना भी मंगलकारी है कल्याणकारी है, जहां का भस्म भी आभूषण है, जहां कौपीन मतलब लंगोटी कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। अर्थात उस काशी की उपमा किसी से भी नहीं कहा जा सकती, उस काशी की महिमा किसी से भी नहीं।